अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं हूं बिनते शमीम। अगर आप रोज़ के खानों से परेशान हो गए हैं और कुछ अलग खाना चाहते हैं तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं बहुत ही डिफरेंट लेकिन बहुत ही टेस्टी रेसिपी, बारबेक्यू स्टाइल चिकन शाशलिक, और उसके साथ मैं बनाऊँगी एग वेजिटेबल फ्राइड राइस। ये खाने में बहुत ही मज़ेदार है और इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चिकन शाशलिक बनाने के लिए सबसे पहले मैं पैन में 1/2 कप ऑयल शामिल करूंगी और साथ ही 1 टेबल स्पून लहसुन पेस्ट और 1 टेबल स्पून अदरक पेस्ट डालकर इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। अदरक लहसुन अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब मैं इसमें 1/2 kg बोनलेस चिकन शामिल करूंगी। चिकन को मैंने इस तरह से मीडियम क्यूब शेप में काट लिया है। इसमें मैंने 1-2 हड्डी वाले पीस भी शामिल किए हैं ताकि हड्डी का भी जायका इसमें आ जाए और इससे चाशनी हमारी और ज़्यादा मज़ेदार होगी, और बाद में आप इसे निकाल कर अलग कर लें। चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करूंगी। आप देख सकते हैं चिकन का कलर भी चेंज हो रहा है। चिकन को फ्राई करते हुए अराउंड 2 मिनट्स हो गए हैं। चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून टर्मेरिक पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट शामिल करूंगी। नमक और मिर्च इसमें मैंने 1 टीस्पून शामिल किया है। आप अपनी टेस्ट के हिसाब से इसमें यूज़ कीजिएगा, क्योंकि इसमें सॉस वगैरह भी इस्तेमाल होगा और उसमें भी नमक और मिर्च होता है। चिकन को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। यहाँ पर मैं 1/2 kg चिकन इस्तेमाल कर रही हूँ, तो 1/2 kg चिकन में मैं 1/4 कप सोया सॉस इस्तेमाल करूँगी और 1/8 कप प्लेन सिरका शामिल करूंगी। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। अब मैं इसे कवर करके मीडियम फ्लेम पर गोश्त गल जाने तक पकाऊंगी। चिकन को पकते हुए अराउंड 10 मिनट्स हो गए हैं और चिकन भी अच्छी तरह से टेंडर्ड हो गया है। अब मैं चिकन को ग्रेवी में से अलग कर लूंगी। क्योंकि मैं बारबेक्यू स्टाइल चिकन शाशलिक बना रही हूं तो मुझे इसमें कोयले का धुआं देना है। ग्रेवी से हमने चिकन निकाल लिया है। अब उसी ग्रेवी में मैं वेजिटेबल्स को फ्राई करूंगी। मैंने 2 शिमला मिर्च को क्यूब शेप में कट कर लिया है, वो इसमें शामिल करूंगी, और 2 मीडियम साइज के प्याज को क्यूब शेप में कट कर लिया है, वो इसमें शामिल करूंगी और इसे अच्छी तरह से फ्राई करूंगी। वेजिटेबल्स को हमें ओवर कुक नहीं करना है, इसे हमें सिर्फ सॉटे करना है। अब मैं इसमें 2 मीडियम साइज के टमाटर को मैंने क्यूब शेप में कट कर दिया था और इसके बीच का जो पल्प था उसे निकाल दिया है, वो इसमें शामिल करूंगी। जल फ्रेजी या आप शाशलिक जब बनाएं तो उसमें टमाटर जो है आप थोड़े हार्ड यूज़ कीजिएगा, थोड़े सख्त टमाटर यूज़ कीजिएगा ताकि वो ग्रेवी में बिल्कुल मेल्ट ना हो जाएं। वेजिटेबल अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं, इसे अराउंड 2 मिनट्स लगे हैं। अब मैं वेजिटेबल्स को एक अलग बर्तन में निकाल लूँगी। शाशलिक की ग्रेवी तैयार करने के लिए मैं अगेन पैन में 1/2 कप ऑयल शामिल करूंगी, 1 टेबल स्पून लहसुन पेस्ट, 1 टेबल स्पून अदरक पेस्ट शामिल करूंगी और इसे अच्छी तरह से फ्राई करूंगी। अदरक लहसुन अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब मैं इसमें 1 कप टोमेटो पेस्ट शामिल करूंगी। और साथ ही 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स शामिल करूंगी।
और इसे अच्छी तरह से भून लूंगी। टोमेटो पेस्ट अच्छी तरह से भून गया है, आप देख सकते हैं तेल भी अलग हो गया है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून व्हाइट पेपर शामिल करूंगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। अब मैं इसमें 1/2 कप चिली गार्लिक सॉस शामिल करूंगी। साथ ही मैं इसमें 1/2 टीस्पून नमक शामिल करूंगी, 1/4 कप सोया सॉस और 1/8 कप प्लेन सिरका शामिल करूंगी और 1/2 टीस्पून चाइनीज नमक शामिल करूंगी। नमक यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून प्लेन नमक और 1/2 टीस्पून चाइनीज नमक शामिल किया है। 1 टीस्पून शक्कर शामिल करूंगी और इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। अब मैं इसमें 3 कप पानी शामिल करूंगी क्योंकि मुझे इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल करना है। अगर मैं इसी तरह कॉर्नफ्लोर इसमें डाल दूंगी तो ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा, क्योंकि शाश्लिक राइस के साथ खाया जाता है। अगर ये बहुत ज़्यादा थिक होगा तो राइस के साथ मज़ा नहीं देगा। अब मैं इसे कवर करके तकरीबन 5 मिनट पकाऊंगी। आप देख सकते हैं ग्रेवी में अच्छी तरह से उबाल आ गया है। अब मैं इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल करूंगी। यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर में हसबे ज़रूरत पानी डालकर इसका थिन सा पेस्ट बना लिया है, वो इसमें शामिल करूंगी। आप देख सकते हैं कॉर्नफ्लोर डालते ही हमारी ग्रेवी कितनी गाढ़ी और मज़ेदार से तैयार हो गई है। अब मैं इसे मज़ीद 2 मिनट्स पकाऊंगी। 2 मिनट्स हो गए, अब मैं इसमें चिकन शामिल करूंगी, साथ ही वेजिटेबल्स शामिल करूंगी, 2 टेबल स्पून लेमन जूस शामिल करूंगी और इसे कवर करके 5 मिनट दम पे रख दूंगी। बारबेक्यू शाश्लिक तैयार है। अब हम फ्राइड राइस की तैयारी कर लेते हैं। फ्राइड राइस बनाने के लिए सबसे पहले पैन में मैं 2 टेबल स्पून ऑयल शामिल करूंगी। यहाँ पर मैंने 1 अंडे को अच्छी तरह से बीट कर लिया है, वो इसमें शामिल करूंगी और इसे फ्राई करूंगी। अब मैं पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल शामिल करूंगी, साथ ही 1 टेबल स्पून लहसुन पेस्ट, 1 टेबल स्पून अदरक पेस्ट शामिल करूंगी और इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लूंगी। अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब मैं इसमें 1 कप जूलियन कट कैरेट शामिल करूंगी, 1 कप पी, 1/2 कप ग्रीन कैप्सिकम, 1 कप फाइन चॉप कैबेज शामिल करूंगी और इसे अच्छी तरह से फ्राई करूंगी। वेजिटेबल्स को हमें ओवर कुक नहीं करना है, इसे हमें सिर्फ सॉटे करना है। अब मैं इसमें 1 कप बॉयल चिकन शामिल करूंगी जिसके मैंने इस तरह से रेशे कर लिए हैं। वेजिटेबल्स अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल करूंगी, 1/2 टीस्पून चाइनीज नमक और 1 टीस्पून शक्कर शामिल करूंगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। अब मैं इसमें 1/2 केजी बॉयल राइस शामिल करूंगी, साथ ही 2 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून सिरका, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून व्हाइट पेपर और फ्राई किए हुए एग शामिल करूंगी और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी और इसे कवर करके 10 मिनट दम पे रख दूंगी और हमारी एग वेजिटेबल फ्राइड राइस तैयार है। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी।
अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।